क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, ब्लैक ड्रॉन्सर या फिर नेमेसिस? आई थिंक ब्लैक ड्रॉन्सर, नहीं नेमेसिस। ब्लैक ड्रॉन्सर नेमेसिस, नहीं ब्लैक ड्रॉन्सर, नहीं नेमेसिस। ब्लैक ड्रॉन्सर नेमेसिस, नहीं ब्लैक ड्रॉन्सर, नहीं नेमेसिस। तो कैसे हो बेब्लेड के फैंस? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानोगे कि नेमेसिस ज़्यादा पावरफुल है या फिर अपना ब्लैक ड्रॉन्सर। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक ड्रॉन्सर को बायोवोल्ट कॉरपोरेशन में बनाया गया था और ब्लैक ड्रॉन्सर को ड्रॉन्सर के ही डीएनए से बनाया गया है, मतलब कि एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक बिट बीस्ट है ब्लैक ड्रॉन्सर। वेल, ब्लैक ड्रॉन्सर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ब्लैक ड्रॉन्सर को काय कंट्रोल करता था और काय ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे कंट्रोल किया था। उसने बहुत सारे बेब्लेडर्स के बिट बीस्ट भी कैद कर लिए थे, लेकिन ब्लैक ड्रॉन्सर ब्लेड ब्रेकर्स की पूरी टीम स्पिरिट, मतलब टीम जो होती है उनकी टीम स्पिरिट की वजह से हार गया। वेल, ब्लैक ड्रॉन्सर है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन उसे जो कंट्रोल करेगा ना, उसको भी काफ़ी ज़्यादा डार्क और काफ़ी ज़्यादा बुरा बनना पड़ेगा, तभी वो ब्लैक ड्रॉन्सर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। ब्लैक ड्रॉन्सर एक फीनिक्स है। फीनिक्स क्या होता है? फीनिक्स एक ऐसा पक्षी होता है जो कि सूरज और आग की गर्मी से बना होता है, और ये पक्षी जब अपना घोंसला बनाता है तो उसी के साथ जल जाता है और इसी की राख से एक नया फीनिक्स बन जाता है। फीनिक्स के बारे में दो फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर वन, ये फीनिक्स की जो उम्र होती है वो 500 से लेकर 2000 साल तक होती है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फीनिक्स एक अमर पक्षी है। नेमेसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिट बीस्ट है, ये हम सभी जानते हैं। नेमेसिस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, मतलब कि तबाही का देवता। वेल, ग्रीक में एक गॉड होता है जिसका नाम, ग्रीस में मतलब एक गॉड होता है जिसको नेमेसिस कहते हैं, और वो जो नेमेसिस होती हैं वो गॉडेस होती हैं जिनको रिवेंज, गॉडेस ऑफ रिवेंज कहते हैं, मतलब कि प्रतिशोध की देवी। वेल, इसका मतलब है कि नेमेसिस नाम का रियल कोई गॉड है जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है, और बेब्लेड में इसीलिए इसको गॉड के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब है कि नेमेसिस एक एंशियंट यानी कि प्राचीन बिट बीस्ट है, और जब जिंगा के साथ उसकी फाइट होती है तो पूरे वर्ल्ड के बेब्लेडर्स के स्टार फ्रेगमेंट का पावर लग जाता है उसको हराने में। तो इसका मतलब है कि नेमेसिस को हराना ब्लैक ड्रॉन्सर से भी ज़्यादा टफ है। अब बात करेंगे कि मेरा क्या कंक्लूजन और ओपिनियन है। तो फाइनली मैं इसके लिए नेमेसिस को चूज़ करूँ, क्योंकि नेमेसिस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसको हराने के लिए तो पूरे वर्ल्ड के बेब्लेडर्स के स्टार फ्रेगमेंट का पावर लग गया था। काय और भी ज़्यादा अगर बुरा बनेगा तो ब्लैक ड्रॉन्सर को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। नेमेसिस एंशियंट बिट बीस्ट भी है। अब बताओ, एक एंशियंट बिट बीस्ट और एक साइंटिफिक बिट बीस्ट में कौन ज़्यादा जीतेगा? वेल, एंशियंट बिट बीस्ट ही जीतेगा क्योंकि वो गॉड है, और वो साइंटिफिक बिट बीस्ट हो तो साइंस के द्वारा बनाया गया है। तो नेमेसिस ही मेरा इस मतलब इसका विनर होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और एक बात पूछनी थी, क्या ये बेब्लेड कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा छोटी है क्या, मतलब ज़्यादा बेब्लेड के फैंस नहीं है क्या? तो इस वीडियो को शेयर किया करो, पता तो चले कि बेब्लेड किस दुनिया में कितने फ़ैन हैं, इंडिया में कितने फ़ैन हैं बेब्लेड के। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मुझे फॉलो कर लो, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।